दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास है ये बहुत सारी झालरें और इनके आज हम लोग कनेक्शन करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर ये जो हमारा घर है इस घर पर हम लगाएंगे झालरें, लटकाएंगे और लटकाने के बाद में इन झालरों के कनेक्शन करेंगे। तो कैसे लटकाना है, कैसे इनके कनेक्शन करने हैं, सारा आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक झालर हमारे पास ये है, एक झालर ये है एंड दोस्तों एक झालर ये है हमारे पास, और दोस्तों एक ये है दिवाली वाली झालर एंड दोस्तों ये भी हमारे पास एक दिवाली वाली झालर। तो जो झालरें हैं इन्हें लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी कीलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, छोटी छोटी इस तरह की कीलें ले लेनी है छोटी सी, क्योंकि हमें जो है यहाँ से इन्हें इस दीवार से नीचे की साइड में लटकाना है। तो यहाँ पर हमें लटकाने के लिए या तो हम ईंट वगैरह रख सकते हैं या फिर ये छोटी छोटी कील लगा सकते हैं। कील लगाने के बाद उनमें हम इसे हिलगा सकते हैं, यानी कि लटका सकते हैं। तो सबसे पहले सारी झालरों को हम लोग लटका लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन सिखाता हूँ। दोस्तों हमने अपनी झालरों को छत पर टांग लिया है, आप देख सकते हैं कि हमने इसे किस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर रखा है। जब हम इसे शाम को जलाएंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने झालरों को टांग रखा है। झालरों के कनेक्शन करने के लिए हमें इस तरह की एक लंबी सी वायर चाहिए होगी। तो ये कॉपर की वायर है दोस्तों, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, लगभग आपको 4 से 5 रुपये मीटर के हिसाब से मिलती है मार्केट में। और आप चाहें तो इस तरह की वायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एल्यूमिनियम की वायर का यूज़ करना चाहें, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, उसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 10-15 झालरें एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह की इतनी पतली वायर का यूज आसानी से कर सकते हैं और इससे काफी 10-15 झालर तो आसानी से जल जाएंगी। और इससे ज्यादा अगर आपको झालर जलानी है तो लगभग 0.75 mm की वायर को आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन कैसे करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारी पहली झालर है और ये इसका इनपुट पॉइंट है, मतलब यहां से हमें कनेक्शन करने हैं। ये पहली झालर हो गई। उसके अलावा दोस्तों ये जो है दूसरी झालर है, ये दूसरी झालर का इनपुट हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरी झालर है, ये तीसरी झालर का इनपुट हो गया और ये चौथी झालर है जिसका इनपुट ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक झालर हमने ऊपर की साइड में लगाई हुई है और ऊपर की साइड में भी इसका एक इनपुट है, तो ऊपर से हमें कनेक्शन करके लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, वहाँ से हम फाइनल कनेक्शन करके लेकर आएंगे इस तरीके से और सारी झालर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर आ गए हैं, ये हमारी सबसे पहली झालर है तो इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें कनेक्शन कैसे करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस वायर को पूरा फैला लेना है जहाँ जहाँ आपकी झालर गई हुई है। तो इस लंबी वायर को हमने थोड़ा फैला लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो झालर है हमारी, इसका ये इनपुट पॉइंट है। तो ये दोस्तों हमारी सप्लाई की वायर है, इस सप्लाई की वायर का लास्ट सिरा है ये। तो हमें क्या करना है, लास्ट सिरे पे ये जो लास्ट झालर है या पहली झालर है मान के चलो, तो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इसकी एक वायर को रेड के साथ में और इसकी दूसरी वायर को हमें ब्लैक के साथ में ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। अब इसके ऊपर हम लोग कर देंगे टेपिंग। टेपिंग हो चुकी है और अब इसको हम इस तरीके से रख देते हैं। तो इसके कनेक्शन हो गए, अब चल रहे हैं दूसरी झालर। ये हमारी दूसरी झालर है और जो पहली झालर थी वो ऊपर लगी हुई थी, उसके कनेक्शन हम लोग करके आ चुके हैं। तो ये जो रेड वायर और ब्लैक वायर थी जिसके कनेक्शन हमने ऊपर वाली झालर से किए थे, जो हमने पहली झालर लगाई थी। तो हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर प्लग लगा हुआ है तो प्लग को पहले हमें काटना पड़ेगा। प्लग को काटे बिना हम कनेक्शन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो प्लग हमने काट लिया है और इसमें से दो वायर्स निकलेंगी, इन दोनों वायर्स को निकाल लेना है। दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो मेन सप्लाई की वायर है, इस मेन सप्लाई की वायर को थोड़ा सा यहाँ पर पीवीसी को थोड़ा खींच देना है ताकि हम यहाँ से तार निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर तार बाहर आ गया। उसके अलावा दोस्तों ऐसे ही हमें रेड वायर में करना है, इसमें भी थोड़ा सा तार हमें ऐसे करके खींच देना है। तो यहाँ पर हमने खींच दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारी झालर थी तो इस झालर के जो इनपुट हैं, इनमें से एक वायर को इस रेड वायर पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने रेड वायर के साथ में इसे कनेक्ट कर दिया है और ये जो दूसरी वायर है इसको दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। दोनों के कनेक्शन हो चुके हैं। अब सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है।
इसके कनेक्शन यहाँ पर कर लिए हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी झालर के पास में। तो ये दोस्तों हमारी तीसरी झालर, और तीसरी झालर के पास में भी हमारी ये जो रेड वायर है यहाँ पर आई हुई है। तो हमें सिंपली क्या करना है, फिर से जैसे हमने सेकंड जो झालर जोड़ी थी तो उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ से जो वायर थी उस वायर के ऊपर की पीवीसी को थोड़ा सा ऐसे करके खींच लिया था। ऐसे सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इसी तरीके से, इस तरीके से वायर को थोड़ा सा छील लेना है, या फिर इसके ऊपर की पीवीसी को थोड़ा सा खींच लेना है। जैसे हमने सेकंड वाली झालर को कनेक्ट किया था, वैसे हमें यहाँ पर ये वाली झालर को भी कनेक्ट कर देना है एक एक तार को। तो एक तार हमने ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दिया, अब इसका जो दूसरा तार है वो हम रेड के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हो गया, अब इसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं जैसे पहले की थी। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी वाली झालर थी उसके भी कनेक्शन हो गए। अब जो है ये हमारी चौथी झालर है, और इस चौथी झालर के भी कनेक्शन सेम इसी तरीके से हमें करने हैं। पांचवी झालर को हम जोड़ने जा रहे हैं, तो ये जो है हमारी लास्ट झालर है, सेम वैसे कनेक्शन करने हैं जैसे पहले हमने कनेक्शन किए थे। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो सारी झालर है वो अब कनेक्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपकी पांच झालर से अधिक झालर भी हैं तब भी आपको क्या करना है, सिंपल एक लंबी वायर लेनी है और उसी लंबी वायर में जोड़ते चले जाना है सारी झालर को, जैसे हमने अभी जोड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर ये फाइनल हमारा जो वायर निकल कर आया है, ये वाला वायर, इस वायर को हमें सप्लाई में लगा देना है। और जैसे आप इसे सप्लाई में लगाएंगे सारी झालर यहाँ पर जलना शुरू हो जाएंगी। समय भी हो गया, तो अब मैं आपको ये झालर जलाकर दिखाता हूँ कि हमारी झालर के जो हमने कनेक्शन किए थे वो आखिरकार जलती भी है या फिर नहीं जलती है। जिसके अंदर हमने सारी झालरों को कनेक्ट किया था उसके आगे मैंने एक प्लग लगा लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, इस एक्सटेंशन बोर्ड में सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई में हम इसे लगा देंगे। तो अब देखिएगा कि सारी झालर जलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी झालर जल रही है। कि ये जो हमने अभी झालर लगाई थी तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, और अभी हमने ज़्यादा झालर नहीं लगाई थी, दूर दूर झालरें लगाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी आपको कम कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत सारी झालर एक साथ इकट्ठी लगाएंगे तो बहुत ही कमाल का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों सारी झालर के कनेक्शन इस तरीके से आपको करने हैं। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।